सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, हम वापस आ गए अपने अड्डे में कुछ रील्स बनाने के लिए और व्लॉग शूट करने के लिए। पर अब हम भी वही कर रहे हैं। हम कब मिले थे? दिवाली, और फिर अब आज मिल रहे हैं हम लोग। आप सोच रहे होंगे कि इसने इसके मतलब अगले वाले व्लॉग में कहा था कि मैं कभी कभार दिखूंगा, और मैं बार बार दिख रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये ना तो कह रहा है लेकिन आ तो जा रहा है। पर तो ये ऐसा क्या है, व्लॉग एडिट करने में बहुत टाइम जा रहा है, टाइम जाता है, लेकिन मतलब ये आप देख रहे होंगे कि जो मैं आ रहा हूँ ना वो टाइम का बहुत कम हो रहा है। मतलब मैं बहुत रेगुलर पे आता था, अब बहुत कम हो गया क्योंकि एग्जाम, मेरी भी वन भाई की एग्जाम चल रही है, यूनिट टेस्ट टाइप है ना, वो तो खत्म हो गया, मैंने कह दिया। और अभी जीटीओ की एग्जाम आने वाली है जो कि 1 वीक के बाद ही है, तो क्योंकि भाई डिप्लोमा जो डिप्लोमा करते हैं ना उनके लिए बड़ी टफेस्ट, 4 और 6 महीने के बाद आती रहती है एग्जाम, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी भैया। तैयारी तो करना पड़ेगा ना यार, नहीं तो कुछ रह जाएंगे। जीवन में प्रगति करनी जरूरी है दोस्तों। सो गाइस, हम जितनी भी जगह पे जा रहे हैं वीडियो शूट करने, मतलब रील शूट करने, पर हमको कोई ना कोई कपल्स दिख जा रहे हैं, तो हम इनके सामने तो कर ही नहीं सकते, वरना उनको लगेगा कि उनका ही शूट कर रहे हैं, तो हम जाने दे रहे हैं। देखते हैं कहीं पर जगह मिले तो हम ट्राई करते हैं रील्स बनाने का। बाकी तो ये व्लॉग तो हमने बना ही लिया है, देखते हैं फिर। सो गाइस, अब फाइनली हमारा शूट वूट सब कंप्लीट हो गया है, शूट हो चुका है, और यहाँ पर हमने कुछ शूट किया है, यहाँ पर पीछे जगह देखो, इधर देखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट यहाँ पे यहाँ पर शूट किया, और थोड़ी जो जब डे लाइट थी तब वहाँ पे हमने शूट किया था, फोटो भी खींची थी। तो अगर वो आपको वीडियो देख रहे हैं तो मस्ट चेक आउट अवर इंस्टाग्राम अकाउंट जो यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पर, तो हम मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वो आप देख लेना, लिंक पे हम मतलब डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा वीडियो आ जाएगा, या फिर हमारा इंस्टाग्राम चैनल। तो गाइस, हम जा रहे हैं अब फाइनली, अच्छे से वीडियो सारी चीज़ें बना दिया है। सो गाइस, कल हम लोग निकल गए थे रील और व्लॉग बना के, तो वो थोड़ा ही व्लॉग बना था, तो हमने सोचा कि आज भी शूट कर लेते, बना था ज़्यादा नहीं बना था, तो हमने सोचा कि आज भी शूट कर लेते हैं। और अभी हम काम करके आए, अपना निकले थे चार काम करने थे हम, ठीक है, तो ये सारा हमने काम ख़त्म किया, ये देखो आधार कार्ड जेरॉक्स से और दूसरे और डॉक्यूमेंट्स थे, और ये भाई नए ईयरफोन मेरे आज लिए KDM के, क्योंकि जाने माने कंपनी है, बहुत अच्छे साउंड क्वालिटी और वो सब टेस्ट करके ही लिया है हमने। तो स्पॉट जाके स्टूडियो में निकाले, स्टूडियो ही है यहाँ पर, 11 में गांधीनगर में, पर उधर जाके ऑन द स्पॉट मैंने बोला कि भाई पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालने हैं, उन्होंने बोला 15 मिनट बैठो आपको मिल जाएगा। और फिर स्टूडियो आपको पता ही है, जानी मानी स्टूडियो की जो है अच्छी है, ब्रांड है, कंपनी है, बहुत सारी उसकी फ्रेंचाइजी और ब्रांड्स है, मतलब ब्रांचेस है अलग अलग जगह पे, है बहुत सारी है, लेकिन उसमें से हम एक गए थे 11 में। मेरे को लगता है वो 11 में मेन जो होती है ना, सबसे मेन मेरे को वो लगता है वो वाली फ्रेंचाइजी है, क्योंकि ये जो चंद्र स्टूडियो के जो मालिक है इनका नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही फेमस है, मतलब 90s बहुत सारे जो बहुत सारे स्टार होते हैं, जैसे कि वो हर एक एक्टर से मिले हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लो चंद्र स्टूडियो, तो उनके जो मालिक है वो अभी एज हो गई है, वो 90s के ज़माने से है, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे एक्टर से मिले हैं, मतलब काम भी किया है, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, फिर शाहरुख खान है, फिर अक्षय कुमार है, वो सारे, तो बहुत ही जबरदस्त,
बहुत सारों के साथ काम किया है उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात है, वो तो उनके लिए वो अचीवमेंट है। फिलहाल हम एक भी एक्टर से नहीं मिले, कोई बात नहीं, मिलेंगे। वो हमारा अचीवमेंट थोड़ा टाइम बाद खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा कि शुरू होगा। हाँ वही वही, मतलब जो हमने सोचा है वो हो जाएगा ऐसा होगा। और तो कुछ नहीं, हम इसलिए काम से बाहर निकले क्योंकि कितने शायद 6:45 हो गए होंगे और अभी ठंड लग रही है। मैं गया उधर जो पासपोर्ट साइज फोटो निकाल के, तो मैं उधर पहुंचा जो पान कार्ड का जो सेंटर होता है उधर, तो उधर बंद हो गया था। मैंने बोला भाई क्या ही करे, तो मैंने सोचा कि अब कल आते हैं। एक्चुअली टाइम अभी 5:30 हो गए, लेकिन उनका उनका टाइम है ना पहले वो 6:00 था। हाँ पहले 6:00 था, हम लोग कितने 5:30 को गए थे ना पहले, तो तब खुला ओपन था उधर, उसके पर आज गए ना तो पता नहीं क्या इशू था, बंद हो गया था वो। सो गाइस अभी हम घर पे जा रहे हैं, फाइनली अब घर पे जा रहे हैं, सब शूट वूट खत्म करके जा रहे हैं। और ये जो आप पीछे का व्यू देखो, यहाँ पर गांधीनगर में आओ, ये मतलब सुकून वाली चीज होती है, ग्रीन सिटी गांधीनगर, ग्रीन सिटी गांधीनगर, मतलब ये पीछे का व्यू देखो, ये देखो अभी, देखो अभी हमारे पीछे से एक पानी का टैंकर जाएगा, वो इसलिए पानी डालता है सब जगह पे, देखना अभी जाएगा। तो गाइस ये जो टैंकर होता है ना, वो जो इधर सारे पौधे होते हैं ना इधर, ये देखो ये सारे पौधे लाइन है, पूरी पौधों की बहुत लंबी लाइन है। और यहाँ पर फुटपाथ पे भी होते हैं ना, हाँ नहीं फुटपाथ के नहीं, जो रोड होता है ना उसके पीछे जो डिवाइडर होता है उधर भी होते हैं। हाँ तो ये देखो यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग, मेन शाम के टाइम पे वहाँ पर, मतलब ये पीछे भी बहुत सारे लोग है, ठीक है आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब दिखाई दे रहे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग इधर वाइब्स एंजॉय करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, मतलब बहुत सारे चलने फिरने आते हैं, जॉगिंग एंड एंजॉयिंग करने। तो यहाँ पर रात के समय बहुत ही मजा आता है, अभी 5:30 मतलब 6:45 हुए और अभी ठंड लगना शुरू हो गया है, लेकिन इधर तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है भाई। हाँ मतलब एक बात कहनी थी आपको, पिछले साल ठंड की जो मतलब जो वो क्या कहते हैं लेवल था ठंड का, ठंड का लेवल वो ज्यादा था, मतलब इस समय पे इसके इस पिछले साल बहुत ज्यादा ठंड नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि मैं जब सोता हूँ ना रात को तो मैं फैन ऑन करके ही सोता हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है यार, गर्मी तो लगती है सच्ची बात है, क्योंकि मेरे को लगता है डिले हो गया है ये ठंडी, कोल्ड पीछे चली गई है। मतलब आप देखो ना कि जो सीजन होती है वो उसका अब कुछ ज़्यादा ठिकाना नहीं है, मैंने तो ये नोटिस किया है कि पता कभी नहीं, कौन से वक्त पे क्या होता है वो पता ही नहीं चल रहा है यार, क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं कि विंटर, कहते हैं विंटर है, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि विंटर में कभी कभी बहुत ही गर्मी हो जाती है, ठीक है बहुत ही गर्मी लगने लगती है, बाद में फिर बारिश भी आ जाती है कभी कभी। और इस बार समर जो समर सीजन था उसमें तो पता नहीं क्या हो रहा था, बारिश तो आ ही रही थी, बारिश आ रही थी समर में, बारिश नो डाउट विंटर उसकी जगह पर है, ठीक है लेकिन ये होता लगती है, ठंडी लगती है, जो नेक्स्ट लेवल ठंडी होनी चाहिए ना वो नहीं लग रही है अभी, वही चीज है वो ठंडी लगती है 12 के बाद, और हम सो गए होते हैं तब तक, वही चीज होती है, तो फिर काम होता है तो रात भर जगते हैं, लेकिन नॉर्मली नॉर्मली तो हम 11 तो मैं सो ही जाता हूँ, पर जब काम होता है व्लॉग एडिट करना और तब भाई पूरी रात जगते हैं, मतलब यही देखो एक बात कहनी थी आपको, जितने भी आपने व्लॉग देखे होंगे ना इसकी सारी एडिटिंग इसने की है, कहते कहते एडिटिंग, लेकिन एडिटिंग में बहुत ही मतलब झंझट वाला काम है, नहीं मजा जो करते हैं ना उसका दिमाग पूरा फ्राई हो जाए, क्योंकि हम दोनों जो वीडियो बनाया ना जो व्लॉग बनाया हमने कौन सा जो दिवाली वाला था, तो मैंने उसके सारे वीडियोस मैंने लिए इनपुट किए सारे, तो वो कुछ आधे घंटे से ऊपर ही जा रहा था उसका टाइम, अभी मैंने हैंडल कर दिए मोबाइल क्योंकि इसका हाथ दर्द हो रहा था, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, वो
ट्राइपॉड लाए नहीं है। जनरली हम ट्राइपॉड लेके घूमते हैं पर आज नहीं लाए क्योंकि बहुत सारा काम था, तो हमने सोचा कि भाई रहने दे, अभी कहीं ना कहीं लेने ही जाना है अपने को। ये नेचुरल शूटिंग से हाथ से कर देते, उसमें क्या है यार, हाथ से भी कर सकते। हाँ, तो जो मैंने अभी आपको बोला कि हमने दिवाली वाला व्लॉग मैंने इम्पोर्ट किया, सब में सारे के सारे वीडियोज़ इम्पोर्ट किए, तो कुछ कितना आधे घंटे से ऊपर जा रहा था, तकरीबन 40 मिनट तक पहुंच गया था। तो उसको एडिट करना 40 मिनट का, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट यार। तो मैंने सोचा कि उसके है ना मैं एक दो पार्ट करके भेजूँ, अपलोड कर दूँगा, तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग ना बन जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा बन जाएगा ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा यार देखने में। तो एक्साइटमेंट रहती है ना कि एक पार्ट आया फिर दूसरे पार्ट में क्या होगा। सो गाइज, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना और ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले न्यू अपकमिंग व्लॉग्स आप तक पहुँच जाए और आप उसे मिस ना कर पाओ। तो तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करने के बाद। सो गाइस, आपको आज का व्लॉग